नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर 2024 को नतीजों की घोषणा की जाएगी। चुनाव ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने से चंद रोज पहले ही सत्तारूढ़ महायुद्ध बीजेपी शिवसेना एनसीपी ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसे वह चुनाव के दौरान भुनाने की भी कोशिश करेंगी। आइए जानते हैं वे कौन से हैं ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव में उतरने जा रही है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, मदरसा टीचर्स की वेतन बढ़ोतरी, 3 मुफ्त सिलेंडर मुंबई में, हल्के वाहनों को टोल फ्री करना, ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, ये महायुद्ध के प्रमुख मुद्दे हैं। वहीं ब्राह्मण, राजपूत और कुणबी जातियों को साधने के प्रयास के तहत भी फैसले किए गए हैं। ब्राह्मण और राजपूत समाज के कमजोर तबकों के लिए कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई और 3 कुणबी उपजातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। लाड़की बहन योजना की चर्चा सीएम शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम तक जोर शोर से अपने कार्यक्रमों में कर रहे हैं। माझी लाड़की बहन योजना महायुद्ध सरकार ने 2024-25 के अपने बजट में इस योजना की घोषणा की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद 21 से 65 साल की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। टोल टैक्स माफ चुनाव से ठीक पहले 14 अक्टूबर को सिंध सरकार ने घोषणा की कि मुंबई में एंट्री करने वाले हल्के वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। मुंबई के 5 टोल बूथ पर यह छूट दी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक इससे हर दिन 2.8 लाख वाहनों को फायदा होगा। मुफ्त गैस सिलेंडर, महायुद्ध सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है। पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया गया है। मदरसा शिक्षकों की वेतन वृद्धि, हाल ही में सिंध सरकार ने महाराष्ट्र के मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले मदरसा शिक्षकों को 6000 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 16000 रुपये प्रति महीना कर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी और यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता की कमान इस बार किस गठबंधन के हाथ में आएगी, महायुति या महाविकास आघाड़ी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।